एक प्रोग्राम लिखना है जो न्यूमेरिक और जो रोमन इक्विलेंट है उनको प्रिंट करें हम। मतलब यदि इनपुट में रोमन कोई नंबर दें तो ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विलेंट प्रिंट कर देगा। ये इस तरह से होते हैं, जो आई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विलेंट 1 होता है, वी के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 होता है, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 10 होता है, एल के लिए 50 होता है, सी के लिए 100 होता है, डी के लिए 500 और एम के लिए 1000। ये इक्विलेंस होता है। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम सिंपल स्विच केस से लिख रहे हैं, एक करेक्टर रीड कर रहे हैं, वो करेक्टर आई है तो ये 1 प्रिंट कर दे, वी है तो 5 प्रिंट कर दे, एक्स है तो 10 प्रिंट कर दे, एल है तो 50 प्रिंट कर दे, सी है तो 100 प्रिंट कर दे, डी है तो 500 प्रिंट कर दे, एम है तो 1000 प्रिंट कर दे, और इनमें से कोई भी नहीं है तो 1-1 प्रिंट कर दे, वैल्यू को असाइन कर दे। और अब बाद में हम प्रिंट कर रहे हैं, यदि वैल्यू -1 है तो ये प्रिंट कर देगा कि हमें सूटेबल रोमन नंबर नहीं दिया गया, क्योंकि करेक्टर स्टोर भी हो सकते हैं, और यदि -1 नहीं है तो ये जो भी कंपेरिजन से हमें वैल्यू मिली है उसको वैल्यू को प्रिंट कर दें। एग्जाम्पल देख लें, ये सेम प्रोग्राम है जिसमें स्कैन किया है, सी को रीड किया है, स्विच में डाल दिया, स्विच आई है तो वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, स्विच यदि वी है, करेक्टर यदि वी है तो वैल्यू इक्वल टू 5 हो जाएगा, करेक्टर 10 है तो वैल्यू एक्स है तो वैल्यू 10 हो जाएगी, करेक्टर एल है तो वैल्यू एक्स इक्वल टू 50 हो जाएगा, करेक्टर यदि सी है तो एक्स वैल्यू इक्वल टू 100 हो जाएगा, करेक्टर यदि डी है तो वैल्यू इक्वल टू 500 हो जाएगा, करेक्टर यदि एम है तो वैल्यू इक्वल टू 1000 हो जाएगा, अदरवाइज वैल्यू इक्वल टू -1 हो जाएगा। बाद में यदि वैल्यू -1 है तो ये प्रिंट करेगा कि जो डाटा दिया गया है वो रोमन नंबर का नहीं है, एल्स वो प्रिंट करेगा कि डेसिमल वैल्यू को जो हमें मिली है। कंपाइल और रन करके देखें, कंपाइल कर दिया, रन किया, हमने इनपुट में जैसे आई दे दिया तो ये 1 प्रिंट कर रहा है, हमने एम दे दिया तो ये 1000 प्रिंट कर रहा है, हमने डी दे दिया तो 500 प्रिंट कर रहा है, हमने ए दे दिया तो ये कह रहा है गिवन वैल्यू इज नॉट ए रोमन नंबर। ये एक प्रोग्राम का सेगमेंट लिखा है, इसका आउटपुट क्या होगा, जिसमें दो फोर तीन फोर लूप हैं, एक वे काउंटर आई पे है, दूसरा जे पे, तीसरा के पे। आई वाला काउंटर 5 तक जाएगा, जे वाला 3 तक, के वाला 4 तक, और वो प्रिंट क्या करेंगे, तीन प्रिंट स्टेटमेंट हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो स्टार प्रिंट करेगा, दो पुट स्टेटमेंट हैं जो न्यू लाइन प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर आउटपुट हमें इन तीन स्टेटमेंट से मिलेगा, प्रिंट स्टेटमेंट है वो स्टार प्रिंट करेगा सिंगल स्टार, और ये सेगमेंट इस एक फोर लूप के अंदर है जो के इक्वल टू 1 2 4 चलेगा, मतलब ये जब भी प्रिंट स्टार स्टेटमेंट पे पहुँचेगा इस फोर लूप के अंदर पहुँचेगा, मतलब 4 स्टार लगातार प्रिंट करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो है वो एक पुट्स है जो एक न्यू लाइन प्रिंट करेगा, और एक न्यू लाइन कब प्रिंट करेगा, तो ये इस ऊपर वाले लूप के अंदर है तो वो 4 स्टार प्रिंट आने के बाद ये न्यू लाइन में चला जाएगा, और ऐसा कितनी बार होगा, 3 लगातार लाइन आने तक ये न्यू लाइन में जाता जाएगा। अब एक और पुट्स स्टेटमेंट है जो उसके बाद एक और नया न्यू लाइन जाएगा, और वो इस तरह से आउटपुट को बनाएगा कि हमें 3 4 स्टार्स की एक लाइन, इस तरह की 3 लाइनें मिलने के बाद एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन मिलती है, और इस तरह से ये रिपीट होता रहता है, और कितनी बार रिपीट होगा, फर्स्ट लूप 5 बार हो रहा है तो ऐसा 5 बार रिपीट होगा। हम इसको कंपाइल और रन करके देख लें, तो ये नहीं लिखा है, इसको लिखते हैं, आई जे के बाद में 4, आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, प्लस प्लस आई, फोर
j is equals to 1, j less than equal to 3, plus plus j, k is equals to 1, k less than equal to 4, plus plus k, printf, percentage s, star, ये भी नहीं है पुट्स पुट्स ये प्रोग्राम लिखा, ये इसको कंपाइल किया और इसको रन किया। रन करने पर हम देखते हैं एक सेट आया है, दूसरा सेट, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, पांच सेट।